एग्जाम्स आर ओवर और इतने दिनों से मैं कुछ पोस्ट नहीं कर पा रहा था एग्जाम की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में। बट जितनी मेहनत करी उतना बेहतर तो एग्ज़ाम हुआ नहीं शायद, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ने साथ नहीं दिया। बीच में तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी जिस वजह से थोड़ा बहुत पेपर जो है दो एग्ज़ाम्स काफ़ी बिगड़ गए थे। बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा अच्छा होगा। वैसे ये वीडियो जो है वो एक सीरीज़ है, ये मेरी डेली रूटीन की सीरीज़ कह सकते हैं आप, या जो भी आपको सही समझ में आए। क्योंकि मैं सोचा कि मैं आप लोगों से बताता रहता हूँ कि मेरे एग्ज़ाम से ये है वो है, और पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, क्यों मैं इतना फ्रीक्वेंटली पोस्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके कुछ रीज़न्स हैं। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ऐसे ही बताऊँ, उससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू ही ये चीज़ें बताऊँ कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ और मैं कहाँ बिज़ी रहता हूँ, या जो भी रीज़न्स हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने ब्लॉग के थ्रू ही बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इससे ये होगा, दो काम एक साथ हो जाएंगे कि मेरे बाकी सारे काम भी चलते रहेंगे और साथ ही साथ मेरे जो वीडियोस हैं वो भी थोड़े फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे। Going towards Faculty of Law, Delhi University. ठीक है, as you all know कि I am pursuing LLB from Delhi University Faculty of Law. Law Center 1 मेरा कॉलेज है और हम यहाँ से बस निकल रहे हैं Law Center 1 की तरफ। बट रास्ते में किरोड़ी मल और FMS और ऐसे कुछ कॉलेजेस भी पढ़ते हैं जिनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा मैं। ये नॉर्थ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और ये जो नॉर्थ कैंपस है इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में मुझे यहाँ आने के बाद ही आइडिया हुआ, नॉलेज हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि मेरे जो जूनियर्स हैं वो उनको ये आइडिया मिल सके थोड़ा सा, और उनको गाइडेंस मिल सके लाइफ में, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ शेयर करूँगा मैं आपके साथ। तो यार, दिस इज़ कमला नगर एंड कमला नगर चौक है यहाँ पे आगे, और इससे आगे हम जाएंगे तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो FMS कॉलेज है वो आएगा, और उसी के आगे किरोड़ी मल है। ये FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जिसको रेड ब्रिक्स कॉलेज भी कहा जाता है। और FMS क्यों खास है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आगे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि FMS किस लिए खास है। और इसी के लेफ्ट साइड पर यहाँ पर किरोड़ी मल कॉलेज पढ़ता है, और ये किरोड़ी मल का हॉस्टल आने वाला है आगे, मैप लगा हुआ है, और अक्सर यहाँ पे फोन वगैरह स्मैच हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि फोन वगैरह जो बाहर ना निकालो और बातें, पता नहीं यहाँ से पहले हुआ तो नहीं, अगर आज हो जाता है तो क्या ही कर सकते हैं, वीडियो नहीं आएगा। बट अगर नहीं होता है तो ये ब्लॉग जल्दी आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल पता नहीं आई कुछ हो रहा है, किसी बात का ध्यान ना करना होगा। तो ये हमारा CLC ऑन द लेफ्ट, और CLC से थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो फिर आर्ट फैकल्टी आती है, और आर्ट फैकल्टी के बाद हमारा उमंग भवन आता है। दिस इज CLC कैंपस लॉ सेंटर, फिर उसके बाद उमंग भवन आएगा जहाँ पे LC 1 जो कि लॉ सेंटर 1 है, और LC 2 लॉ सेंटर 2, इन दोनों का कॉमन जो बिल्डिंग है जहाँ पे क्लासेज होती हैं वो उमंग भवन है जो आगे आने वाला है। फिलहाल पहले आर्ट फैकल्टी आएगी, फिर आर्ट फैकल्टी के बाद उमंग भवन आएगा। तो यार फाइनली वी आर हेयर, और सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारी क्लास लगनी है। बट बाहर आकर ये पता चला है कि अभी क्लासेस सस्पेंड है, और सस्पेंडेड चल रही है, शायद नेक्स्ट वीक से क्लासेस वापस कंटिन्यू होंगी, तो वापस स्टार्टिंग है। लेट्स सी। सो दिस इज रूम नंबर 236, यहाँ पे आज हमारी पहली क्लास होनी थी, पहली क्लास इन द सेंस आज की पहली क्लास हमारी जो होनी थी, और आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी क्लास खाली हो रखी है। ये सीन, 3 दिन से आ रहा हूँ, 3 दिन से
सबसे पहले पहुंच रहा हूं और तीनों दिन ये हो रहा है कि क्लासेस सस्पेंडेड हैं, कैंसिल्ड हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है इस टाइप का और पूरी क्लासेस खाली हैं। अब नेक्स्ट वीक ही आऊँगा, इस हफ्ते तो मुश्किल लग रहा है मुझसे। अब यार क्लासेस तो गई, चलो फिर थोड़ा सा टूर ही करा देते हैं तुम लोगों को, थर्ड फ्लोर पे लेके चलते हैं, उसके बाद देखते हैं वहाँ से कुछ नीचे देखेंगे, फिर नीचे तक घुमा घुमा के फिर अपन लौटेंगे वापस रूम की तरफ। This is our third floor. Let's see, यहाँ पे कोई है कि नहीं है। कुछ बच्चे अंदर बैठे हुए हैं बट क्लासेस किसी की भी नहीं लग रही हैं, सारी क्लासेस सस्पेंडेड हैं। ये बहुत आम है ना यहाँ पे क्लासेस सस्पेंड होना, कैंसिल होना, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। कुछ भी नहीं है, बस यही है, क्लासेस हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं इधर उधर, और तो कुछ यहाँ पे खास है नहीं। ग्राउंड फ्लोर की तरफ वापस जा रहे हैं, फिर निकलेंगे रूम की तरफ, जाके कुछ पढ़ाई दे दी जाए यार, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। वह फाइनली मैं रूम आ चुका हूँ और मैंने फिर से अपनी लाइफ का एक घंटा सक्सेसफुली वेस्ट कर दिया है, और पिछले दो दिन और ये मिलाकर फ्राइडे, सैटरडे और मंडे आज का, मैंने 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ आने जाने में वेस्ट कर दिए हैं कॉलेज, क्योंकि मैं जा रहा हूँ और क्लासेस सस्पेंडेड हैं या कैंसल्ड हैं और फिर मैं वापस आ जा रहा हूँ रूम। तो वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आम है बहुत। तो यार FMS पे थे अपन, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। तो FMS जो है वो उसको रेड ब्रिक्स कॉलेज भी कहा जाता है और बहुत ही फेमस कॉलेज है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है। अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डिटेल में बताता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा और आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। जैसे जो लोग MBA का प्लान कर रहे हैं और CAT एग्ज़ाम देने वाले हैं, या देखो यहाँ पे ना सबसे पहली चीज़ आपको कॉल आ जाएगा अगर आपने CAT में अच्छे परसेंटाइल ले आए तो, और If you belong to the general category और आप मेल हैं, ठीक है, तो 99.3 या अबव परसेंटाइल स्कोर करने पे आपको FMS का कॉल आ जाएगा। यू कैन ईजली कन्वर्ट, क्योंकि उसमें आपके जो पास्ट एकेडमिक स्कोर वगैरह है वो उतना वेटेज नहीं रखता है, और अगर आप फीमेल हैं, लड़की हैं, तो आपको 5 पॉइंट का कंसेशन भी मिलता है। तो 98.8 या अबव परसेंटाइल स्कोर करने पे आप ईजली FMS में जा सकते हैं। ये तो रही उसकी बात कि इसमें एंट्री कैसे होती है, कैट के स्कोर मैटर करता है और दो फॉर्म्स होते हैं, एक कैट का फॉर्म आपको भरना है एग्ज़ाम देना है, दूसरी चीज़ ये कि FMS का खुद का एक फॉर्म होता है वो भी आपको भरना है। बाकी डिटेल्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं DM करके भी, और कुछ यूट्यूब पे रिसर्च करेंगे अगर FMS के बारे में तो आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। तो यार FMS की एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि यहाँ की जो फ़ी है वो लगभग 2 लाख के आसपास है, बट यहाँ का जो एवरेज पैकेज है वो 31 to 32 lakh समथिंग जाता है एवरेज पैकेज यहाँ का FMS का, मतलब ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। तो जो लोग MBA वगैरह का प्लान कर रहे हैं, कैट अच्छे से दो, बढ़िया एकदम यार, कैट अच्छे से दो, उसके बाद यहाँ पे आओ। काफ़ी अच्छा एनवायरमेंट भी है, नॉर्थ कैंपस है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ का कल्चर है, अपना एक अलग ही कल्चर है, मज़ा आएगा। तो किरोड़ी मल कॉलेज के बारे में बता रहा था मैं, किरोड़ी मल जो है वो KMCE के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पे पास में हंसराज कॉलेज भी है। तो ये कुछ ऐसे कॉलेज, और भी बहुत सारे नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे कॉलेज हैं यार, मतलब आप बस नाम लो और जितने भी बेस्ट कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे सिंपली ये है कि आप आइए और यहाँ पे आके एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ का कल्चर देखिए, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और यहाँ के जो ड्यू के फेस्ट वगैरह जो हैं वो बहुत फेमस होते हैं। यस हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ड्यू के फेस्ट होते हैं, आप उसका भी पार्ट बन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं चीज़ों में। मैं भी अगर आने वाले कुछ टाइम पे कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ है ना फेस्ट वगैरह होता है, उसमें अगर मैं जाता हूँ तो मैं उसके रील्स और वीडियोज़ भी आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। फ़िलहाल तो जितने फेस्ट वगैरह हुए हैं मैंने सारे अवॉइड किए हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, बट लेट्स सी अगर मुझे टाइम मिलता है और मैं चाहता हूँ कहीं तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा कि कैसा क्या रहता है ड्यू के फेस वगैरह का। तो किरोड़ी मल का जो डिटेल इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो मैं
एक अलग वीडियो में डालूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और उसके लिए शशि को मैं पकड़ूंगा और शशि के साथ हम डिस्कस करेंगे। शशि एक्चुअली KMC के स्टूडेंट हैं और उनके फ्रेंड हैं आयुष चतुर्वेदी, उनको भी हम पकड़ेंगे। तो वो जाकिर हुसैन के हैं, जाकिर हुसैन से वो अपना बैचलर कर रहे हैं, तो इन दोनों से हम डिस्कस करेंगे। जाकिर हुसैन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे और KMC के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप लोगों को आगे काफ़ी आइडिया हो जाएगा स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ और इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं, जो हम लोगों को शायद इतनी गाइडेंस नहीं मिली, समझ नहीं आया और मौका नहीं मिला, तो वो आप लोगों को मिलेगा, आप उसको उस हिसाब से डायरेक्शन दे पाएंगे। और यार लॉ का तो मैं हूँ ही इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि राइट नाउ आई एम परसुइंग LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, तो उसके बारे में कोई भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं ही आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। और जो लोग प्लान कर रहे हैं 12th के बाद लॉ में आने का, लॉ की फील्ड में आने का, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इस साल से ही 5-year प्लान भी BA प्लस LLB और BBA प्लस LLB के कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जिसकी क्लासेस महर्षि कणाद भवन में लगेंगी और उसका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो क्लैट के स्कोर पे बनेगी। बाकी उससे आगे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे आती जाएंगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वो मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा। उसके अलावा आप भी जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो सिंपली ये है कि यहाँ पे दो तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं, 5-year अभी से चालू है और 3-year LLB प्रोग्राम जो पहले होता था जिसमें मैं एनरोल हूँ, उसमें होता ये है कि इससे पहले तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5-year LLB के प्रोग्राम्स नहीं थे, यानी कि आप डायरेक्ट 12th के बाद LLB नहीं कर सकते थे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी ये क्वेश्चन पूछे कि तुमने मतलब ग्रेजुएशन के बाद LLB क्यों की, क्या रीज़न था ये वो। तो यार सिंपली उसका रीज़न यही था कि जब मैं LLB के लिए आ रहा था तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 5-year प्रोग्राम्स नहीं चलते थे, मतलब कि तब BA प्लस LLB या BBA प्लस LLB के प्रोग्राम्स दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं लेता था, वो सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद ही 3 years जो लॉ प्रोग्राम होता था वो लेता था। तो उसके लिए एग्ज़ाम्स होते थे, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक DU LLB एग्ज़ाम होता था जो हम लोगों के टाइम पे होता था, हमने वो क्लियर किया और उसके बाद वो पूरा ऑल इंडिया होता है, उसमें फिर रैंकिंग होती है, उस हिसाब से आपको सेंटर्स वगैरह अलॉट होते हैं। तो मैंने वो दिया था, उसके बाद फिर थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, अब फिलहाल CUET PG के अंडर LLB 3-year प्रोग्राम का जो है वो एग्ज़ाम होता है, उसमें होता है कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है CUET, ठीक है, जिसके थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का कम्बाइंड एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम देना है, और अच्छा स्कोर करने पे आपको उस हिसाब से आपके स्कोर के हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अलॉट होंगे। तो अभी फ़िलहाल तो उसका फॉर्म वॉर्म हो चुका है और CUET PG के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, अभी मार्च में ही होने वाले हैं, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर इसके फॉर्म्स आएंगे, तब आप लोग जो भी प्लान कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद लॉ वगैरह का या बाकी चीज़ों का, बहुत सारे सब्जेक्ट्स और प्रोग्राम्स हैं उनमें आप इनरोल हो सकते हैं एग्ज़ाम्स के थ्रू, CUET के थ्रू, वो आपको एक बार वेबसाइट के इंफॉर्मेशन जाके वेबसाइट से लेनी होगी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी आप मुझे DM भी कर सकते हो तो मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा। और 5-year LLB प्रोग्राम्स का जिनका प्लान है वो 12th के बाद क्लैट लिख सकते हैं और क्लैट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं जिसके थ्रू वो यहाँ तक आ सकते हैं। तो DU से LLB का एक्सपीरियंस यार ऐसा है कि अभी तक का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, मेरे 3 semesters हो चुके हैं और 3 semesters बाकी हैं, 2 semesters तो मेरे ठीक गए थे, 3rd semester भी वेल एंड गुड, अच्छा गया, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इसकी थोड़ा सा एग्ज़ाम्स ऊपर नीचे हुए हैं सेमेस्टर में, 4th, 5th, 6th में आगे खींचेंगे चीज़ें करेंगे, बट सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है यहाँ पे DU में कि आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, एक नेटवर्क बिल्ड होता है, क्योंकि इन्हीं लॉ सेंटर्स से CLC से LC1 से LC2 से बच्चे पढ़ पढ़ के लिटिगेशन में जाते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, तो एक अच्छा सा नेटवर्क एक कनेक्शन बिल्ड हो सकता है, आप अगर चाहें तो आप लोगों से मिलते जुलते रहिए, बहुत सारी चीज़ों में आपको चांसेस मिलते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने मिलती हैं, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे चीज़ों का, तो आप वो सारी चीज़ें इन्जॉय कर सकते हैं। और ऑफकोर्स क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ की फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा है, आपके काफ़ी फेवरेबल है, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान ईजिली अफोर्ड कर सकता है
दीव के अंदर लॉ कोर्सेज वगैरह, क्योंकि आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के थ्रू जाएंगे तो वहाँ पे आपके लाखों रुपए लग जाने हैं सिर्फ फीस वगैरह में। और इसके अलावा भी आप बाकी कोई कॉलेजेस वगैरह देखते हैं जो प्राइवेट हैं तो उसमें भी आपके बहुत पैसे जाएंगे। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आपका जो फीस स्ट्रक्चर वो काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार रुपये मुश्किल से मुश्किल साल की फ़ीस आपकी जाएगी, और 2 से 3 साल के अंदर आपका LLB 3 ईयर प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, और क्योंकि ट्राइमेस्टर भी चलते हैं तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, सेमेस्टर की जगह ट्राइमेस्टर हो रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और 5 ईयर प्रोग्राम की भी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इन कंपैरिजन टू अदर लॉ स्कूल्स वो भी ठीक ही है। तो 3 ईयर प्रोग्राम में अभी तक तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। मैं भी अब लिटिगेशन के लिए थोड़ा सा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरफ अपना हाथ बैठाया जाए, थोड़ा सा जानकारी ली जाए, देखते हैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा चीज़ों में। बट हाँ, अभी तक जो भी था दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ काफ़ी अच्छा था। तो आप लोगों को भी मैं सलाह यही दूंगा कि अगर आप जुडिशरी में या लिटिगेशन में, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, या UPSC वगैरह में भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको बैकअप चाहिए, इस टाइप का कोई भी आपका प्लान है, तो यू कैन राइट CUET PG और उसके थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आ सकते हैं। यहाँ पे अपना अटेंडेंस वगैरह भी मैनेज करना इजी है, उतना प्रॉब्लम होती नहीं है अटेंडेंस वगैरह मैनेज करने में भी, तो यू कैन ईजली मैनेज योर अटेंडेंस और एग्ज़ाम प्रिपरेशन टुगेदर। क्लासेस भी आप, टाइमिंग्स भी डिफरेंट है तीनों अलग अलग सेंटर्स की। सुबह 8 बजे से CLC की रहती है, LC1 की 2 बजे दोपहर से रहती है शाम को 6-7 तक, उस बीच कई सारी क्लासेस लगती हैं, कई सारी कैंसिल हो जाती हैं, तो काफ़ी आराम से हो जाती हैं सारी चीज़ें, मैंने तो उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। बट हाँ, कोर्स जो है वो LLB का थोड़ा सा हेक्टिक है, और चूज़ करने से पहले LLB को आपको इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा। यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर रेडी फॉर LLB, बिकॉज LLB इज़ नो जोक। जैसे मैंने बताया ट्राइमेस्टर चलते हैं हमारे, तो समझिए कि 3 महीने की क्लासेस हैं और उसी के ही ख़त्म होते ही एग्ज़ाम आ जाता है सेमेस्टर का हमारा। और यू वोंट बिलीव कितनी सारी केसेस, कितनी सारी बुक्स बेयर एक्ट्स वगैरह हमें उस 3 महीने के वक्त में किसी भी तरह ख़त्म करना होता है, और बहुत मुश्किल होती है पूरा सिलेबस तो खैर लॉ स्टूडेंट्स का कभी ख़त्म नहीं होता, और बस वो कंटिन्यूसली चलता जाता है। और एग्ज़ाम्स के, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। सबसे बड़ा प्रेशर इस चीज़ का होता है कि आपका सिलेबस कभी ख़त्म नहीं हो सकता है LLB का, लॉ का सिलेबस। आप अगर लॉ स्टूडेंट हो तो आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करनी है, इस बात को आप लिखवा लो कहीं पे, ठीक है, ये कहीं पे लिख के ना दीवार पे चिपका लो अपने, कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हो आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करनी है। तो मेक श्योर कि अगर आप रेडी हो पूरी लाइफ पढ़ाई करने के लिए, तब इस फील्ड में आओ, क्योंकि ये प्रोफेशन ही ऐसा है। आप कुछ भी चूज़ करोगे इस प्रोफेशन में, चाहे आप एकेडमिक्स में जाओ, चाहे आप जुडिशरी में जाओ, चाहे लिटिगेशन में जाओ, कहीं पे भी जाओ, पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ाई करनी है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो जब आप ये डिसीजन ले रहे हो तो ये मत सोचो कि बस 3 साल या 5 साल LLB करके बस लाइफ सेट है, सब बढ़िया है, ऐसा नहीं है। आपको, आपने अगर ये चूज़ किया है तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहोगे, आपको पूरी लाइफ बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिस हुई हो मुझसे और आपको जानना हो कुछ स्ट्राइक करे, तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है @TheRealHeatherKhan, वहाँ पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं। और इसी तरह मैं और भी वीडियोस लाता रहूँगा अपने अंदाज में, ऐसी व्लॉग्स और बातचीत के ज़रिए मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएंगी हंसी मजाक में। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, धीरे धीरे बाकी वीडियोज़ और मैं लाऊंगा।